बसमिल आज का हमारा टॉपिक है लैंडस्केप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम इसकी हम पहले आउटलाइन देख लेंगे इंट्रोडक्शन इंटरप्रिटेशन बेसिक स्ट्रक्चर फिर आता लैंडस्केप ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम लैंडस्केप और बिल्डिंग ब्लॉक ये एक ही चीज़ है कंक्लूजन पहले इंट्रोडक्शन द लीगल सिस्टम ऑफ़ द कंट्री इज पार्ट ऑफ इट्स सोशल सिस्टम एंड रिफ्लेक्ट द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल करैक्टरस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इट इज़ देयर फॉर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम आउटसाइड द सोशियो कल्चर इन्वामेंट इन विच इट अप्रेट्स इसमें यह कह रहे हैं लीगल सिस्टम है दुनिया का वो जो ए, पार्ट है सोशल सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है अक्सी करता है सोशल पॉलिटिकल इकॉनमिक कल्चर क्या लीगल सिस्टम जो ना अक्सी करता है अभी लोगों के जो जिस माशरे का भी लीगल सिस्टम जिस सोसाइटी का भी स्टेट का लीगल सिस्टम होगा उसके कल्चर को उसकी वैल्यूज़ को उसके जो है ना इकॉनमी को ना ए, दिखाएगा भाई किस तरह किस हिसाब से किस तरह का लीगल सिस्टम बना है इसकी इकोनॉमी कैसी है इसका कल्चर कैसा है इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू धीरज कुमार तिवारी लीगल सिस्टम इज द सम ऑफ लॉज ऑफ अ स्टेट और कम्युनिटी लीगल सिस्टम क्या होता है सम ऑफ लॉज होता है किसी भी स्टेट का या कम्युनिटी का आगे है बेसिक स्ट्रक्चर अ लीगल सिस्टम कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज आउटलाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सिस्टम क्या है जी प्रिंसिपल हैं और वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं सेट ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग राइट्स राइट्स एंड ड्यूटी और और ड्यूटीज भी लैंडस्केप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम जिसमें आता है रूल ऑफ लॉ सेपरेशन ऑफ पावर्स जुडिशल रिव्यू ह्यूमन राइट्स राइटेक्टिव पहले आ जाता है रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट शुड कंडीशन बाय लॉ फिर आ जाता है इन डैसी वर्ड्स रूल ऑफ लॉ मीन्स नो मैन इज ऑफ द लॉ एंड एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इन अकॉर्डन विद लॉ मतलब रूल डेसी कहता है भाई जो रूल ऑफ ला इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान ना लॉ से अब बाला तर नहीं है कानून से एंड और हर इंसान जो है ए, एक जैसा कानून के नज़रों में एक जैसा है सेपरेशन ऑफ पावर्स सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अंडर विच द ट्रीट थ्री ब्रांचिज ऑफ गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर तीन uh, जोन सा है आइन है हमारा उसमें तीन ब्रांचिज में तकसीम किया गया है एग्जेक्टिव लेजिसलेटिव और जुडिशल दिस इज आल्सो नाउन सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस जिसे हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम बिकॉज ईच ब्रांच इज़ गिवन सर्टेन पावर हर ब्रांच को जो उनसे है ना उनको अपनी गिवन पावर्स दी गई हैं सो टू चेक एंड बैलेंस द अदर ब्रांचिज के भाई वो दूसरी ब्रांचेज को भी चेक कर सकते हैं ईच ब्रांच है सेपरेट पावर्स एंड जनरली ईच ब्रांच इज़ नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज द पावर

इन आर नेशनल लीगल सिस्टम एक नेशनल लीगल सिस्टम में टू एग्ज़ामिन द एक्शन ऑफ के भाई एग्जाम करें एग्जामिन करें चेक करें एक्शन को किसका लेजिसलेटिव एग्जेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की चेकिंग करें इधारों की क्यों सही काम कर रहे हैं एंड टू डिटर्मन वैदर सच एक्शन और बताएँ कि भाई कौन से जो से एक्शन है वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं है एग्जैक्टिव जो उन है द एक्टिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की ब्रांच है एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी एंड इन एंड अथॉरिटी एंड होल्डिंग रिस्पांसिबिलिटी और रिस्पांसिबिलिटी पे करते हैं गवर्नेस ऑफ स्टेट, स्टेट की द एग्जीक्यूट एंड ला जो एगजेक्टिव एग्जीक्यूट करती है इन्फोर्स करती है लॉ को एक्जैक्टिव द ला एज रिटन बाई लेजिस्लेटिव एंड इंटरप्रटेटिव इंटरप्रेटेड बाई जुडिशरी

और दे आर नॉट ग्रंटिड बाई और इसकी कोई गारंटी नहीं है किसी भी रियासत में क्योंकि ये यूनिवर्सल राइट है और ये नेचुरल है भाई सबको पता है हमें दे रेंज फ्राम द मोस्ट फंडामेंटल मतलब ज्यादातर जो फंडामेंटल राइट हैं वही ह्यूमन राइट टू तो लिव जिंदा रहने का हक टू तो दैट मेक लाइफ वर्थ ही लिविंग सच एज राइट टू तो फूड एजुकेशन वर्थ हेल्थ एंड लाइविलिटी ये सारी वही बातें जो फंडामेंटल राइट्स वाली हैं Conclusion to conclude that legal system explore the political organization and structure of society. Legal system is the sum of laws of a state or community. This topic. Allah Hafiz.